फ्रेंड्स, मैं यहाँ से पास हो रहा था तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप दिखा है मेरे को सैंडविच का। यहाँ पे ही इनका घर है और घर के बाहर ही सैंडविच का सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने। अंकल जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पटेल। राजेंद्र पटेल, तो क्या क्या वैरायटी है आपके पास सैंडविच का? सैंडविच वेजिटेबल है, चीज सैंडविच है, मायो वाला है। अच्छा, फिर आज स्पेशल क्या खिलाने वाले हो? स्पेशल है ना, वो अपना ना ओपन सैंडविच है ना, चीज वाला, वो स्पेशल है। ओपन चीज टो सैंडविच? हाँ जी। तो ठीक है, एक ओपन चीज टो सैंडविच लगा दो। वे क्या था, वेजिटेबल क्या? मसाला डोसा। मसाला में ना कितना टाइम हो गया अंकल आपको ये शॉप स्टार्ट करके? 5 साल हो गए। 5 साल, मतलब पूरा आप इस पे ही हो डिपेंड? हाँ, शॉप पे ही? तो, हाँ, इस पे ही है। हमारे सैंडविच को मशीन में जाके लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और अंकल जी दूसरा सैंडविच बनाना चालू भी कर दिए। अकेले अंकल जी अकेले पूरा शॉप मैनेज करते हैं। और सैंडविच के अलावा क्या क्या मिलता है अंकल? सेव पूरी है। अच्छा, सेव पूरी भी है? सेव पूरी, भेलपुरी वो भी है? हाँ, भेलपुरी, सूखा भेल, गीला भेल। अंकल का यूनिक टेक्निक है कटिंग करने का, क्रॉस कटिंग करके। अब इसमें क्या क्या जाएगा? चटनी, चीज जाएगा, आ गया नमक और चाट मसाला। पहले आ गया ग्रीन चटनी और अभी आ रहा है लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी अभी आ गया चीज। क्या बात है, अंकल ने तो बहुत बढ़िया तरीके से चीज सैंडविच को डेकोरेट किया है। अगर इसको हम ओवन में डाल देंगे तो ये पिज्जा भी बन जाएगा। इसके ऊपर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे तो। चलो इसको टेस्ट करते हैं। थैंक यू अंकल, इतना सुपर सैंडविच बनाने के लिए। देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है और खा के भी मज़ा ही आएगा।
अंकल अगर यहाँ पे किसी को आना है तो कैसे आना होगा, एक बार आप एड्रेस बता दो अपने शॉप का। रोड नंबर एक मोतीलाल नगर, नंबर भी एक है, रोड नंबर एक मोतीलाल नंबर एक, और कुछ नियर बाय लोकेशन, नियर दत्त मंदिर, नियर दत्त मंदिर। हाँ जी, तो ये इनका लोकेशन है, यहाँ पे आओ टेस्ट करो इनका सैंडविच, बहुत लाजवाब तरीके से बनाया हुआ इन्होंने। चलिए बाय, मिलता हूँ आपसे एक और नए स्ट्रीट फूड के साथ।